बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हो आप सब। मैं हूँ आयजाहान। आज मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए एक नई रेसिपी जो कि मैं बना रही हूँ नगेट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। यहाँ पे मैंने ली है 300 ग्राम चिकन, इसको मैं सर्व कर दूँगी। 5 अदद मैंने ली है ब्रेड, इसके साइड में कट कर लूँगी इस तरह से। इसको छोटे छोटे हिस्सों में काट लूँगी। इस तरह से जी। तो यहाँ पे चॉपर मैंने लिए हैं, इस पर मैं चिकन मैंने डाल दिए हैं, थोड़ा थोड़ा मैं ब्रेड डालूँगी। अब यहाँ पे मैं डालूँगी 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधा चम्मच नमक जी। तो यहाँ पे मैं 1 चम्मच चिकन पाउडर ऐड करूँगी। नमक मैंने इसलिए कम डाली है क्योंकि इसमें भी नमक होती है, और रेड चिली मैं नहीं डालूँगी क्योंकि मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ। 1 चम्मच सरका, 1 चम्मच मैं सोया सॉस ऐड करूँगी। अब इसको चॉप करेंगे। चला इसको मैं निकालूंगी जी। तो इसमें मैं लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच ऐड करूंगी। इसको भी ग्राइंड करेंगे जी। तो देखिए मिक्सचर हमारा रेडी हो गई है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लेंगे 2 अदद अंडे, थोड़ा सा हम इसमें काली मिर्च डालेंगे। थोड़ा सा नमक, अच्छे से इसको फेंट लेंगे। जी तो यहाँ पे इसको ग्रीस करेंगे। जी तो यहाँ पे दोनों हाथों पे ऑयल लगा लेंगे इस तरह से। अब इसको उठाएंगे, इस तरह से रखेंगे, इसको अच्छे से सेट करेंगे। शेक देंगे इस तरह से। हम इसकी लेयर बना लेंगे। इस तरह से चकोर इस तरह से मैंने नगेट्स बना लिए हैं। अगर आपको लगे कि इसमें ख़राबी है तो आप हाथों की मदद से ठीक भी कर सकते हो। हमने लिए है अंडे और ये ब्रेड का क्रम्स मैंने बनाई है। यहाँ पर एक नगेट्स को उठाएंगे और अंडे में डिप करेंगे इस तरह से।
और अब अंडा सही से उतारेंगे, ब्रेड क्रम्स में डालेंगे, हाथों की मदद से इस तरह से इतना मैंने डाल दिया है। नगेट्स तैयार हो गई है, अब मैं डालूंगी नगेट्स को। जी तो देखिए माशाल्लाह, 2-3 मिनट हम इसी साइड पे पकाएंगे, फिर दूसरी साइड पे करेंगे। जी तो अब करेंगे दूसरी साइड पे आराम आराम से। अब इसी साइड पे 2-3 मिनट पकाएंगे। जी तो अब हम इसको निकालेंगे। देखिए माशाल्लाह, जी तो देखिए माशाल्लाह कितना क्रिस्पी। कैसी लगी नगेट्स रेसिपी? अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी बहनों के साथ शेयर भी करें। और इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।